सुराग नहीं मिल पाया है। जयप्रकाश सिंह मामले में 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। परिजनों ने जल्द से जल्द मामले के उद्भेदन की मांग की है और सीसीएल की जो कर्मी थे उनका जो पता है वो अब तक नहीं लग पाया है और पुलिस लगातार प्रयासरत है लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। गिरिडीह से ज्यादा जानकारी के साथ निलय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निलय, सीसीएल कर्मी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, अब क्या लगता है कोई अलग रणनीति अपनाई जाएगी तलाशी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अभी पिछले 9 दिनों से आज 10वां दिन हो गया है और अब अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि जिस वक्त मैं खड़ा हूं यहां पे भदवा पहाड़ी में, गिरिडीह का है ये और माइनिंग होती है, अभी यहां पे सर्च ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, जिला पुलिस के भी जवान मौजूद हैं, सीसीएल के भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे लगातार हैं। और देखिए अभी रेस्क्यू जो है वो चल रहा है अंडरग्राउंड, कहा जाए तो वाटर प्रूफ कैमरे से आज होना था लेकिन वो हो नहीं पा रहा है आज, संभवतः कल से वो होगा। क्योंकि ये जो चाणक है, ये जो एक तरीके से कहा जाए जो माइनिंग के लिए जो कुआं होता है वो लगभग 500 फीट गहरा है और इसमें काफ़ी सावधानी बरती जाती है। एनडीआरएफ की जो टीम है उसके यहाँ पे जवान लगे हुए हैं लगातार और काम जारी है। हमारे साथ एनडीआरएफ के अधिकारी भी मौजूद हैं, मोहम्मद कलाम साहब। सर, क्या स्थिति है अभी और किस तरीके से रेस्क्यू कर पा रहे हैं, आखिर अभी तक सफलता भी नहीं मिल पाई? हम लोग तो 4 तारीख को यहाँ आए थे, 4 तारीख से लेकर अभी तक कंटिन्यू रेस्क्यू ऑफ चल रहा है और संदेह के आधार पर हम लोग यहाँ रेस्क्यू ऑफ चला रहे हैं। काफ़ी कोशिश किया जा रहा है झगड़ के द्वारा, कैमरा के द्वारा, बट अभी कैमरा के खराब हो जाने की वजह से हम लोग अभी सिर्फ झगड़ से ही रेस्क्यू ऑप्स चला पा रहे हैं। तो अभी कहा जाए तो जिस तरीके से हमारे साथ जिला पुलिस के भी अधिकारी थे और सीसीएल के भी अधिकारी मौजूद हैं, सर यूनियन से हैं, सर क्या लगता है कि अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है प्रशासनिक तौर पे भी? हालांकि एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। देखिए जो ये घटना हुई है ये गिरिडीह के लिए एक नया घटना है और बहुत बड़ी दुखद घटना है कि एक सिक्योरिटी इंस्पेक्टर को लापता कर दिया जाए। और इसमें अभी पुलिस के हिसाब से जो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें चाणक में उनको डाल दिया गया है, तो हमारा सीसीएल और प्रशासन दोनों मिल करके अपने हिसाब से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोग, कोशिश किया जा रहा है कि इसको निकाला जाए। लेकिन ये 100 साल से बंद पड़ा माइंस है और इतना गहरा माइंस है, करीब जो सर्वे के हिसाब से ये 650-700 फीट बताया जा रहा है। इसमें जो ऑपरेशन चल रहा है वो इतना आसान नहीं है चलाना, लेकिन फिर भी हमारे सीसीएल के अधिकारी, प्रशासन, एनडीआरएफ के टीम लगे हुए हैं कि किसी तरह बॉडी को रिकवरी किया जाए। ये एक चुनौतीपूर्ण काम है और इसे जितना जल्द किया जाए वो उतना ही है, ताकि बाद में बॉडी जब तक रिकवर नहीं होगा तब तक आगे के लिए कार्रवाई के लिए काफ़ी मुश्किल आएगा। जाहिर सी बात है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो और उनकी रिकवरी हो कहीं से, लेकिन फिर भी बहुत जो परिजन हैं वो परेशान हैं। हमारे साथ उनके बेटे मनीष जी भी हैं। मनीष जी, अभी तक जो कार्रवाई हो रही है क्या लगता है आपको कि संतुष्टि मिल रही है कि कम से कम? जी नहीं, अभी तक कोई संतुष्टि हम लोग को नहीं मिला है और हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारे पापा को कम से कम खोज के निकाला जाए। तो अभी तक जो पुलिस ने भी जो कार्रवाई की है बहुत धरपकड़ की है, हालांकि यहाँ से सुराग मिला था उनके, कुछ यहाँ पे चप्पल मिले थे, कुछ सामान उनका रुमाल मिला था, हम लोग भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, लेकिन पुलिसिया जो कार्रवाई उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं? अभी तक तो फिलहाल कोई क्रिमिनल भी पकड़ा नहीं गया है जो कि वो बताए कि क्या किया क्या नहीं किया। वो अभी तक वो हमारे साथ में कोई जी क्रिमिनल भी कोई पकड़ा जाता तो कुछ होता सर इस पर। अभी तक कार्रवाई पुलिस की जो है बहुत संतोषजनक नहीं है, हालांकि एनडीआरएफ के जवान टीम लगे हुई है और सीसीएल के भी जो अधिकारी कर्मचारी हमारे साथ यहां के हमारे प्रतिनिधि श्रीकांत है। श्रीकांत, क्या लगता है कि 10 दिनों तक सफलता नहीं मिल पा रही है जबकि पूरा महकमा लगा हुआ है? देखिए, पूरा जिला प्रशासन जो है इस
और पहल कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम बीते आज 10 दिन हो गए, 1 तारीख की शाम को जो है सीसीएल के सुरक्षा अधिकारी जयप्रकाश सिंह जो है रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं। और बीते 10 दिनों जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे नाउम्मीदी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों की निराशा बढ़ रही है, परिजन बढ़ रहे हैं। पुलिस कह रही है कि एसआईटी टीम का गठन किया गया है, टीम अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है, पूछताछ कई लोगों से कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कहें तो हम और जिला प्रशासन के हाथ इस मामले में अभी तक खाली हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम सीसीएल प्रबंधन अपने स्तर से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लगातार इस चाणक में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीते दिनों इंदौर से टीम आई है, अंडरग्राउंड वाटर कैमरा टीम का भी सहारा लिया जा रहा है, एनडीआरएफ के जवान मौजूद हैं, लेकिन कहा जाए तो 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जो है इस मामले में हाथ खाली हैं। लोग का जो है कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो ताकि इस मामले के पीछे जो भी अपराधी हैं उनका जो है भय जो है इलाके में लोगों में कहीं ना कहीं अब दिखना शुरू हो गया है। जितना जल्द इस मामले का उद्भेदन होगा उतना ही यहाँ के लोग इस मामले को लेकर फिर शांत हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस मामले का खुलासा हो, अगर कहीं पर अगर उन्हें रखा गया हो तो उनकी भी रिकवरी हो, और अगर अगर कोई अनहोनी हो तो उसकी भी रिकवरी होनी चाहिए। जी निलय, परिजन आपके साथ मौजूद है और परिजन से जानने की कोशिश करें, क्या उन्हें किसी पर शक है, क्या उन्होंने किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है? जी बिल्कुल, देखिए इस बारे में पुलिस के पास भी गए थे, क्या लगता है कि कोई आपसी रंजिश का कोई ये परिणाम है या फिर ऐसा, क्योंकि वो सेफ्टी अधिकारी थे, ऐसा कुछ लगता है आप लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी क्या लगता है आपको, क्या आशंका है? क्या आशंका सर, कैसे बता सकते हैं, वो तो प्रशासन ही बताएगा सर। यहाँ से निकले थे कह करके ऑफिस के काम से थाना जा रहे हैं, उसके बाद थाना से रिटर्न घर नहीं आए। वहाँ तो ये थाना गए थे शाम को और उसके बाद जब लौट रहे थे। बिल्कुल निलय, थाना गए थे कंप्लेन दर्ज कराने, किसी के भी ऊपर तो कंप्लेन दर्ज कराने गए होंगे क्योंकि उसके बाद से ही वो गायब है, तो शक तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पर तो जाता ही है। जी देखिए, ये जो ऑफिशियल काम से गए थे जो प्रबंधन, और क्योंकि सेफ्टी अधिकारी थे कई चीज़ों में उनकी जरूरत पड़ती थी, लेकिन जो परिजन है उनका शक किसी पर नहीं है। जिस तरह से अभी उनके पुत्र मनीष जी, उनसे भी हम लोगों ने बात की, शक नहीं है, और इनका ये भी कहना है कि कोई रंजिश भी नहीं थी, लेकिन हो सकता है ये किसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया किसी अपराधी के द्वारा। तो पुलिस को इस बात का अब उद्भेदन करना है कि ऐसे कौन से तत्व हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हो और रिकवरी हो। बिल्कुल निलय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंतज़ार है, तो अब एनडीआरएफ की टीम किस तरह से कार्रवाई करती है, किस तरह से आखिर अब जो जिस तरह से खोजबीन जारी है उसमें उनका सुराग मिल पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कशिश न्यूज़, खबर भी, आसान भी।